करते हैं इस खास खबर पर। खबर रामपुर से है, जहां पूर्व सांसद जयाप्रदा एमपीएमएलए कोर्ट में पेश हुई हैं। आचार संहिता उल्लंघन के दो मुकदमों के मामले में पेश हुई हैं। धारा 313 के तहत जयाप्रदा के बयान दर्ज किए गए हैं। रुक करते हैं इस खास खबर पर। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां प्राची सिंह पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा जनपद सिद्धार्थनगर के पुलिस लाइन परिसर स्थित नवीनीकृत पुलिस कैफे का उद्घाटन किया गया है। और इस दौरान सिद्धार्थ अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर जयराम क्षेत्राधिकारी भूतनाथ गुप्ता प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन सहित अन्य अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे। अनुराग ठाकुर का बयान सामने आया है। कांग्रेस ने न सिर्फ बाबा साहेब को प्रताड़ित किया है, अपमानित भी किया है, बल्कि उन्हें राजनीतिक रूप से खत्म करने का काम किया है। जब लोगों को जानकारी है, जो हमारे सीनियर युवाओं को मैं बताना चाहता हूं, कांग्रेस वो पार्टी है जिसने अंबेडकर जी को अपमानित भी किया, प्रताड़ित भी किया, पॉलिटिकल पार्टी से बाहर भी किया और पॉलिटिक्स से संन्यास लेने पे मजबूर भी किया। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने 60 साल राज किया लेकिन बाबा साहब अंबेडकर को कोई सम्मान नहीं दिया। गैर कांग्रेसी सरकार है, वीपी सिंह की सरकार है, हमारी इच्छाओं के अनुसार उनको भारत रत्न देने का काम उस समय हुआ है। और फिर जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तब मोदी जी ने एक संसद भवन की सीढ़ी पर शीश झुकाया तो उसी दिन बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पर शीश झुकाने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया। पहले दिन और शीश झुका के क्या कहा, मैं गरीब वंचित शोषित पीड़ित का विकास करूंगा, सबका साथ सबका विकास करूंगा। और देखिए मोदी जी के सोच 26 नवंबर को संविधान दिवस दो दिन मनाने का काम कभी किसी ने संविधान दिवस नहीं बनाया, मोदी जी ने बाबा साहब अंबेडकर की याद में और योगदान में 26 नवंबर को संविधान दिवस भी बनाया और हर साल हम लोग मनाते हैं। 14 अप्रैल को उनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया। बाबा साहब अंबेडकर की जन्मभूमि, दीक्षा भूमि, चैत्य भूमि, शिक्षा भूमि और महापरिनिर्वाण भूमि, इन पांचों स्थानों पर पंचतीर्थ बनाया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाया। मेरे भाइयों का नागपुर, महू, मुंबई, दिल्ली और लंदन, ये पांच स्थान है। मुंबई की इंदू मिल की जमीन केवल 400 करोड़ रुपए की जमीन खरीद के स्मारक बनाया, बाकी अलग खर्चा हुआ। दिल्ली में सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए, अंग्रेजों ने खरीद लिया था मकान जहां पे उनकी शिक्षा हुई लंदन में, वो वापस खरीद के वहां पे बनाया। मुझे पता हो जिस व्यक्ति ने इतना किया हो और जिस व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में SC ST OBC वर्ग के 71% लाभार्थी हैं और पीएम किसान सम्मान निधि में जो आपको 6000 रुपया साल का किसानी के लिए मिलता है उसमें 80% लाभार्थी SC ST OBC के हैं। जो पक्के मकान मिलते हैं उसमें 58% लाभार्थी SC और ST के हैं। मुद्रा योजना के जो 43 करोड़ लोन मिले उसमें 51% लाभार्थी हमारे SC ST OBC। और तो और हमारा जो वजीफा मिलता है उसमें भी 57% लाभार्थी हमारे SC ST वर्ग के हैं। मोदी जी ने तो अंबेडकर जी को और अनुसूचित जाति के अपने भाई और बहनों को उनको मान सम्मान भी दिए, उनके अधिकार भी दिए। लेकिन जिस कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर को प्रताड़ित अपमानित किया वो कहती है मोदी संविधान बदल देगा। क्या कहती कांग्रेस, कांग्रेस क्या भ्रम फैला रही है,
कि मोदी संविधान बदल देगा। अरे मेरे भाई और बहनों, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी और फिर सोनिया गांधी जी तक चार पीढ़ियों की कांग्रेस ने 62 बार संविधान में संशोधन किया। कितनी बार? 62 बार संशोधन किया। जब लोगों को जानकारी है जो हमारे